नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गरारा सलवार की कटिंग करने की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों ये देख लीजिए, इसमें यह घेर है दोस्तों, जो पीछे वाला पल्ला है वो 1.5 इंच इसमें ऊपर रखना है, क्योंकि पीछे से पैंट ये प्लाजो उतरेगा नहीं दोस्तों, पैंट की तरह फिटिंग रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें 2 पॉकेट है, दोनों तरफ हमने पॉकेट रखा है, यानी ऊपर वाली जो कटिंग की है वो पैंट की तरह फिटिंग में अच्छी फिटिंग के साथ किया है, और नीचे इसमें गेयर रखा है दोस्तों, ये देख लीजिए अच्छा गेयर आया है इसमें, क्योंकि ये 2.5 मीटर की बनी हुई गरारा सलवार है दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगर वीडियो एंड तक पूरी देखोगे तभी समझ में आएगी दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा लिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गरारा सरारा सलवार है उसी की कटिंग करना, तो परफेक्ट फिटिंग के साथ आज कटिंग सीखेंगे आप, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर एक लाइन खींच लेनी है, ये देख लीजिए इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है, उसके बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देना है, यह है जो लास्टिक लगेगी उसके लिए हमने छोड़ा है, तो ये आपको ले लेना है। इसके बाद में आप लेंगे जो लटकन है उसकी लंबाई लेंगे, उसकी लंबाई हिप्स के हिसाब से लेंगे, हिप्स का चौथा हिस्सा है 37 का चौथा हिस्सा आएगा 9.25 में 2 इंच एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो 11.5 इंच इसमें आपको ले लेना है, वो 17 इंच पर जो प्लेट्स डालेंगे वहाँ तक इसकी लंबाई हमने ली है। इसके बाद में यहाँ से घेर डालेंगे 17 इंच के बाद में, तो ये देख लीजिए इस तरह से आपको ले लेना है। इसके बाद में यहाँ हिप्स है उसका फिर से चौथा हिस्सा आपको लेना है, यानी 9.25 इंच, उसके बाद 2 इंच लूजिंग दे दी है और 2.5 इंच की इसमें गोलाई वाली शेप दे दी है। इसके बाद में यहाँ से 11 इंच आया है, तो 11 इंच नीचे निशान लगा लेना है, ये देख लीजिए, और इसके बाद में यहाँ से ये शेप दे देनी है इसमें, ये देख लीजिए, और यहाँ से हल्की सी गोलाई लेते हुए इसमें ये शेप दे देनी है आपको, ये देख लीजिए इस तरह से आपको ले लेना है, और यहाँ से जो 2.5 इंच की दी यहाँ से इसमें शेप मिलाते हुए इस तरह से आपको ले लेना है, ये आपको ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में लेंगे लंबाई, तो लंबाई दोस्तों इसकी लंबाई है 36, इसके ने फिर आप देख लीजिए, तो इसमें जो बीच में से कट लगेगा वहाँ 1 इंच जाएगा और 2 इंच नीचे से मोड़ने में ले रहे हैं हम, आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, जितना चौड़ाई आप मोड़ सकते हो उतने आप ले सकते हो। तो हमने 2 इंच नीचे लिया है और 1 इंच यहाँ मोड़ने का दबाव का मार्जिन लिया है, तो इसकी 39 लंबाई हमने ले लिया, इस तरह से आपको ले लेनी है, ये देख लीजिए ये ले लिए हमने लंबाई, एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए जो बाकी नीचे से कपड़ा बचा है उसको एक बार चेक करें, हमने चेक किया है तो उसमें इतना कपड़ा बच रहा, तो अब बैक पल्ला वो निकल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अब कटिंग कर लेंगे, जिससे जो निशान लगा हुआ है उसी के ऊपर आपको ले लेना है, इसमें एक्स्ट्रा छोड़ना नहीं है, इसमें हमने लूजिंग वगैरह सब ले लिए, तो इसी के ऊपर आपको ले लेना है, बैक पल्ला है उसमें और लूजिंग छोड़ देंगे हम, तो ना तो इतना ज़्यादा फिटिंग रहेगा ना लूज रहेगा, इस तरह से ये प्लाजो ये गरारा जो सरारा है ये बनेगा। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ जो कट लगाए हैं वहाँ से 2.5 इंच का आप नीचे ले लेना है, उसके बाद में यहाँ 6 साढ़े 6 इंच का जो पॉकेट की चौड़ाई है वो आप रख सकते हो, हमने 6 इंच रखा है, ये देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ से भी सीधा इसमें कट कर लेंगे, ये कली हो गई दोस्तों, नीचे जो घेर वाली है वो इसमें डाल देंगे, इस तरह से हमने आगे की पल्ली की कटिंग कर ली है दोस्तों। अब करेंगे बैक पल्ले की कटिंग, ये देख लीजिए इस जो कपड़ा है उसके ऊपर रख कर पीछे बैक पल्ला है वो निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बैक पल्ले के लिए हमने इस तरह सबको इसको भी बिछा लेना है और इसी के ऊपर रख लेना आपको, ये देख लीजिए इस तरह से, इसमें भी हमें हल्का सी यानी जो पैंट की तरह लूजिंग छोड़ते हैं और लूजिंग छोड़ेंगे, तो ये क्या
फिटिंग अच्छी बैठेगी और पीछे से उतरेगी भी नहीं। यहाँ से देख लीजिए, हमने 1.5 इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ दिया है, पीछे वाला पल्ला जो 1.5 इंच ऊपर रखा है हमने और आगे वाला 1.5 इंच नीचे रखा है। तो इससे क्या, ये पैंट जो प्लाजो है वो पीछे से उतरेगा नहीं। इसके बाद भी जो निशान है वो सेम इसी तरह उठा लेंगे, और इसमें हमें एक्स्ट्रा ले लिया है पैंट की तरह, ये देख लीजिए। और कुछ नहीं करना आपको दोस्तों। इसके बाद में ये निशान हमने लगा लिया सेम उसी की तरह, ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये जो इसमें जो हम नाप रहे हैं, ये क्या है जो कली है, कली में एक दो अंट और आ जाएगा तो गेयर अच्छा आ जाएगा। उसके लिए हमने थोड़ा हल्का सी नीचे किस कर रहे हैं, क्योंकि जो बचेगा ये इसमें से हम जॉइंट भी ले सकते हैं या पॉकेट निकाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो इसकी हम थोड़ी सी लंबाई नीचे किसका के ले लेते हैं, ये देख लीजिए। निशान हमने लगा लिया था, लेकिन फिर से निशान लगाए हैं क्योंकि ये कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा, तो इसको हम काम में ले लेंगे। इसलिए जो साइड में बच रहा कपड़ा है सामने, उसको काम में ले लेंगे। यहाँ से हम ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें जेब पॉकेट भी निकाल लेंगे या फिर कली में डाल देंगे। ये देख लीजिए दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद अब कर लेंगे कटिंग। जो आगे वाला जो निशान लगाया है उसी के ऊपर कटिंग करेंगे। और ये कर लिए, इसको तो सीधा कट कर देंगे। ये देख लीजिए, एक बैक पल्ले की कटिंग हमने कर ली है दोस्तों। इसमें भी इधर भी इस जो सेम इसी के बराबर कट लेना है, और इधर इसमें एक्स्ट्रा लिया है जो उस हिसाब से कर लेना आपको। अब इसमें कली निकालेंगे, जो कली आगे वाले पल्ले में निकाली थी उसी को रख के, ये देख लीजिए इस तरह से आपको ले लेनी है। इसको बिछाने के बाद सेम इसी के नाप से आपको कटिंग करना है। ये हमने ले लिया है, ये देख लीजिए। अब ये साइड में ये बचा है, इसकी भी हम कली में एक साथ दौड़ लेंगे। तो ये इधर थोड़ा जॉइंट आएगा तो हम जॉइंट लगा के लगा लेंगे, इससे क्या थोड़ा गेयर अच्छा आ जाएगा दोस्तों। अगर ये दोनों में करेंगे तो गेयर कम आएगा। तो दोस्तों ये जो बचा हुआ साइड का जो बचा था कपड़ा, ये देख लीजिए, इसमें से हम पॉकेट निकालेंगे। तो पॉकेट की लंबाई लेंगे दोस्तों, चौड़ाई देख लीजिए पहले, चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई 14 इंच हम ले रहे हैं। लंबाई चौड़ाई यानी चौड़ाई 7 और लंबाई 14 इंच, ये ले लिया हमने। इसके बाद में यहाँ से कट कर लिया हमने, और ये देख लीजिए, ये आपको इसमें शेप भी दे देनी है। ये हमने शेप दे दी है, देख लीजिए। इस तरह से नीचे से जो पॉकेट की जो शेप देनी होती है दोस्तों, इस तरह से आपको दे देना होता है। ये हमने दे दी, और जो आगे वाला पल्ला है उसके हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। तो उस जब बनाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, बनाने का ही काम रहेगा ना, उस वक्त ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने कटिंग में ही कर लिया सब काम, क्योंकि आपको दिखाना है, इसलिए हमने इसी टाइम सब चीज़ तैयार कर ली है, ये देख लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो इसमें भी कलिंग में जोड़ देंगे, लेकिन ये आपको बता रहे हैं, देखो इस तरह से इसमें चुना डलेगा और यह इलास्टिक लगेगी या पॉकेट लगेगा। तो इस तरह से हमारा ये गरारा सरारा तैयार है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।